भाई से चले थे और जलेबी बाई तक पहुंच गए। राष्ट्रपिता बापू से चले थे और आसाराम बापू तक पहुंच गए। तब यह कहना मुनासिब होता है कि बेदाग करेक्टर हूं, बदनाम नहीं हूं, कोई मंदिर मस्जिद या तरफ धाम नहीं हूं, आपकी तरह एक आम आदमी हूं, सतीश पप्पू ही समझो, आसाराम नहीं हूं। देश और दुनिया ने बहुत तरक्की की साहब, तरक्की देखिए, आजादी से पहले जो काम हमारे दादाजी लोटा लेकर जंगल में जाकर किया करते थे मित्रों, वो काम अब हमने अपने घरों में करवा लिया। अटैच्ड तकिए से 3 फीट दूर करता हूं वो काम, और जो काम हमारे दादाजी घर में बैठकर पालथी मारकर भोजन करने का करते थे मित्रों, वो काम अब हमने जंगल में जाकर ढाबों पे शुरू कर दिया। जंगल का काम घर में हो रहा है, घर का काम जंगल में हो रहा है, यह है हमारी तरक्की। बात अगर समझ में आई हो तो अध्याय समाप्त हुआ, एक बार तालियां बज जाए आप सब की ओर। तरक्की देखिए साहब, 6,000 रुपए का जूता पांव में पहनते हैं, 5,000 रुपए का जींस पहनते हैं, 4,000 रुपए का टी शर्ट पहनते हैं, 2,500 रुपए का धूप का चश्मा आंखों पे लगाते हैं और 100 रुपए की टोपी सर पे लगाते हैं, वो भी उल्टी। तब हमें पता चला हम इतने तरक्की कर गए कि नीचे से महंगे हुए हैं और ऊपर से सस्ते हो गए हैं। हमारे घर की माँ बहनें यहां बैठी हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, इनके भी लक्षण आजकल कुछ ठीक नजर नहीं आते। 25 रुपए का चमड़े का बक्कल हेयरबैंड प्लास्टिक का अपने सर में लगाती हैं, पर साहब 25,000 रुपए तोले का सोना जब इनकी पांव की उंगलियों में पहुंचा तब हमें पता चला हम नीचे से महंगे हुए हैं और ऊपर से सस्ते हो गए हैं। इनको कहा गया था बाल बढ़ाइए नाखून कटाइए, तरक्की के इस दौर में इन्होंने उल्टा कर दिया साहब, नाखून बढ़ा लिए बाल कटा लिए। तब ये कहना मुनासिब होता है साहब, हमने अपने संस्कारों में क्या क्या खोया है साहब, कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। कुत्ता साहब आजकल स्टेटस सिंबल हो गया, आप किसी मोहल्ले में जाइए, किसी कॉलोनी में जाइए, किसी का पता पूछने। मैं गया था एक मित्र का पता पूछने, गर्मी का दिन दोपहर का समय, एक का दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी बाहर आया। मैंने पूछा भाई साहब यहाँ शर्मा जी रहते हैं इस कॉलोनी में? बोला कौन शर्मा जी? मैंने कहा इनकम टैक्स में काम करते हैं, गोरे चिट्टे सुंदर नौजवान है, उनके पास नई इंडिगो गाड़ी है। बोला नहीं जानता। पीछे से उनका छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, बोला वो वाले अंकल जिनके पास दो दो कुत्ते हैं। दोस्तों कॉलोनी में मोहल्ले में जब आदमी की पहचान कुत्ते से होने लगे तो समझिए हम कितना तरक्की कर गए हैं। और कुत्ते कौन से पाले जा रहे हैं? वो कुत्ते पाले जा रहे हैं जो डेकोरेशन के काम आते हैं, छोटे छोटे कुत्ते, सफेद लंबे बाल वाले कुत्ते। पटना एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था साहब, दिल्ली जाना था एक कार्यक्रम में, बगल में एक महिला वो कुत्ता अपनी गोद में लेकर खड़ी थी, उनके बगल में एक एलआईसी एजेंट खड़ा हुआ था बैग लिया हुआ, कुत्ता उनकी गोद से नीचे कूदा, एलआईसी एजेंट का पैंट पकड़कर खींचने लगा, उसका पैंट फाड़ दिया। एलआईसी एजेंट बड़ा ही समझदार, अपने बैग से 2 ब्रिटानिया का बिस्किट निकाला, कुत्ते को खिलाने लगा। मैंने पूछा भाई साहब कुत्ते ने आपकी पैंट फाड़ दी, आप इसको बिस्किट खिला रहे हो? बोला दरअसल सतीश भाई बात यह है कि हम इसको लात मारना चाहते हैं। मैंने कहा लात मारने में बिस्किट का क्या योगदान, क्या सहयोग, बिस्किट क्यों खिला रहे हो? बोला बिस्किट खिलाकर हम देखना चाहते हैं कि इसका मुंह किधर है और पीछे वाला भाग किधर है। वो कुत्ते पाले जा रहे हैं साहब। तभी ये कहना मुनासिब होता है कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा, लंबी चोटी भूल गए, रिमोट कंट्रोल तो याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा, पानी का मटका भूल गए, हलो हाय तो याद रहा, नम्र प्रणाम भूल गए, सलमान शाहरुख याद रहे, गांधी का नाम भूल गए, अंकल आंटी याद रही, चाचा मामा भूल गए, नैरो जींस तो याद रहा, फुल पाजामा भूल गए। और मित्रों जिन 2 पंक्तियों को आप तक पहुंचाने के लिए 8 पंक्तियों का ताना बाना बुना गया है, अगर ये 2 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए, आपके दिल में ठक से लगे, तब आपके दोनों हाथ जुड़ने चाहिए, आपकी तरफ से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। पहले सुन लीजिए, डिलीवरी से पहले पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लीजिए कि हेलो हाय तो याद रहा, नम्र प्रणाम भूल गए, सलमान शाहरुख याद रहे, गांधी का नाम भूल गए, अंकल आंटी याद रही, चाचा मामा भूल गए, नैरो जींस तो याद रहा, फुल पाजामा भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। तैयार रहिएगा कि दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। कहते हैं साहब नीचे जमी है ऊपर आसमां है, इस दुनिया में सबसे बड़ी मेरी मां है। और साहब एक तो उधर बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी साहब, बड़ी देर से मैं उनको गौर से सुन रहा था कि आज तक मैं विधायक नहीं बन पाया। सुनील कुमार जी जनपटिया से आए हैं, हमारे गेस्ट थे यहाँ पे। विधायक कौन बनता है साहब? जिसको विद्या एकाएक आ जाए वो विधायक बनता है। मैंने कहा नेता बनकर आप समाज सेवा कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है साहब, क्योंकि नेता किसी को कुछ नहीं देता। आज का दौर, आज के नेता के बारे में मैं बता रहा हूं साहब, कि नेता किसी को कुछ नहीं देता, किसी को तन नहीं देता, किसी को मन नहीं देता, किसी को धन नहीं देता, और चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक दर्शन नहीं देता। यह है सर हमारी हालत। अध्याय समाप्त।